जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे लिए जूस लेकर आओ और फौरन। ये बुढ़िया कोई नया महाज ही ना खड़ा कर दे। हुक्म तो ऐसे दे रही थी जैसे मैं इसकी नौकरानी हूं। रोहित तुम छोड़ दो, मम्मी के लिए जूस मैं बना देती हूँ। नहीं मैं बना लूंगी, वरना उन्हें लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ध्यान से, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो कि साद और मम्मी के बीच में क्या बात हो रही है। तो ही साथ कोई ना कोई हल निकाल लेगा, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। आप वाकई चाहती हैं कि मेरी और साथ की शादी हो जाए? साथ खुश है, तुम खुश हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं भी खुश हूं। मगर आपके शौहर वो तो खुश नजर नहीं आ रहे। अब ये मत कहिएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने और साथ ने सारी आवाज सुनी थी उनकी। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मम्मी और डैडी को उन्होंने यहाँ बुलाया है। मुराद को तुम्हें लेके बहुत सारी गलतफहमी है। तुम्हारी और साथ की शादी हो जाती है तो ये मसला भी हल हो जाएगा। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।